अस्सलाम वालेकुम। कतर के रेटर में आप सबका स्वागत है। यदि आप कतर में रहते हैं, कतर के अहम तरीन खबरों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं या अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके नोटिफिकेशन तक पहुँच सके। दोस्तों, आज मैं कतर के कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, कतर के जो मेट्रास 2 में 4-5 अपडेट बहुत ही अच्छी आई हुई है, जो कि कुछ अपडेट्स हैं जो कतर के रेसिडेंट्स हैं, जो कतर में रहने वाले लोग हैं, कतरियों के लिए है, और कुछ हैं जो खारजी के लिए भी हैं। यानी मेट्रास 2 में बहुत ही अच्छी अपडेट है। तो दोस्तों, जो अभी तक मेट्रास अपडेट नहीं किए हैं तो अपडेट कर लीजिए। जिसके पास मेट्रास नहीं है वो मेट्रास यूज करें, मेट्रास करने से बहुत सारे फायदे मिलेंगे। दोस्तों, दूसरी जो खबर ये है कि अबू धाबी से आ रही है। दुबई के अबू धाबी में एक मोटीकॉक जो वायरस फैला हुआ है, सारी दुनिया में इसका पैर पसारने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इसीलिए दोस्तों, कतर में भी ये बताया गया है कि जो मोटीकॉक वायरस है उसके लिए सतर्क रहें। दोस्तों, मोटीकॉक जो वायरस है वो दुबई में पकड़ा गया है, वो केस दुबई में जो है पकड़ा गया है, और लोगों को उसका एहतियात करने के लिए ज़रूरी ऐलान भी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसलिए कतर में भी बहुत सारे लोग रहने वाले हैं, उन लोगों से ये मेरी दंदबाना अपील है कि जो मोटीकॉक वायरस है उससे बचें और उससे एहतियात करें। दोस्तों, अभी इससे इस मोटीकॉक का कोई भी बहुत ज़्यादा अपडेट तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन अबू धाबी में कोई केस मोटीकॉक नाम का वायरस जो है फैल रहा है। तो इसलिए दोस्तों, सऊदी ने भी यही ऐलान किया है। सऊदी में बहुत सारी फ्लाइटें बंद करने का आसार दिखाई दे रहा है। जो मैं तीसरी बात बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो मैं अपने चैनल के रिलेटेड से बताने वाला हूँ। जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को अभी तक मोनिटाइजेशन के लिए मैंने एक महीना पहले भेज दिया था, रिव्यू में गया था मेरा चैनल, लेकिन रीयूज कंटेंट करके हमारा मोनिटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया गया था। दोस्तों, हालांकि उसको मैंने रीअप्लाई वीडियो भी बनाया, उन्होंने यूट्यूब ने कहा था रीअप्लाई एक वीडियो बनाएं और उसमें आप जो भी अपना एक्सप्लेन करना है वो एक्सप्लेन करिए, उसके बाद मुझे भेजिए। अगर मुझे लगा कि हाँ भाई ये चैनल आपका रीयूज कंटेंट नहीं है तो मैं मोनिटाइजेशन पूरी कर लूँगा। तो मैंने भेजा था और रीयूज कंटेंट बता करके रिजेक्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों, मुझे टाइम मिला था एक महीने का, मैंने फिर दूसरी बार अभी रिव्यू में भेज दिया हूँ, जो कि वो बता रहे हैं कि एक महीने का टाइम मुझे दे रहे हैं कि एक महीने के अंदर हमारा मोनिटाइजेशन का जो भी है डिसीजन वो आ जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को, अगर जो भी आता है, जैसा भी हमारा जो डिसीजन आएगा यूट्यूब की तरफ से, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगा। दोस्तों, और हमारे मोनिटाइजेशन के लिए दोस्तों, और हमारे लिए भी, हमारे चैनल के लिए भी थोड़ा सा आप लोगों का दुआएं चाहिए। और दोस्तों, फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, और जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।